हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू गेट अ वाईफाई विदाउट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास अगर आसपास में कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला नहीं है तो आप कैसे इंटरनेट को ले सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है हॉटस्पॉट। आप जनरली अपने फ्रेंड सर्कल में जब जाते होंगे तो मोबाइल का हॉटस्पॉट ले करके आप अपना काम अपने फ्रेंड से मांग कर लेते होंगे। द बेस्ट वे टू मेक अ श्योर यू हैव इंटरनेट ऑन योर लैपटॉप एट ऑल टाइम इज़ टू यूज़ अ मोबाइल हॉटस्पॉट। अगर आप अपने लैपटॉप पे भी यूज़ करना चाहते हैं ये मोबाइल का हॉटस्पॉट, तो भी अगर आपका इंटरनेट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Basically, mobile hotspot turn your device into internet provider. These features act like a router that creates a Wi-Fi network to which you can connect your laptop or other device which are within range and access the internet. जब आप अपने मोबाइल का इंटरनेट खोलते हैं और हॉटस्पॉट देते हैं तो आपका लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और जो आपने प्लान लिया उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। Most of today mobile device offer a hotspot feature. It shares your mobile data plan with all devices that are connected to the same Wi-Fi network. और ये एक ही डिवाइस नहीं, कई डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। With mobile hotspot, you can access the internet without providing any layer while you are traveling even outside your country. तो हॉटस्पॉट इतना पावरफुल होता है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तब यूज़ कर सकते हैं या इवन आउट ऑफ कंट्री है तब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सर्वर एक्सेस बस मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग टू अनलिमिटेड डेटा प्लान विच इज़ रिलेटिवली अफोर्डेबल नाउ, दिस इज़ क्वाइट गुड ऑप्शन फॉर यू। और अनलिमिटेड डेटा प्लान अगर है आपके मोबाइल में तो वो सबसे अच्छा है, और अगर नहीं है then use mobile hotspot with caution, keeping an eye on your data limit. तो आपको बार बार आपकी डेटा लिमिट को चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज डेटा प्लान खत्म हो सकता है। सेकेंड मेथड है टीदरिंग योर स्मार्टफोन और टैबलेट। इफ यू डोंट नीड रेगुलर मोबाइल डेटा, इंस्टेड जस्ट नीड ओकेजनल एक्सेस टू इंटरनेट ऑन योर लैपटॉप, द फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू गेट ऑनलाइन इज ऑफन टू टीदर योर स्मार्टफोन। आप अपना टीदरिंग करके स्मार्टफोन को अपने मोबाइल या लैपटॉप या लैपटॉप पर अपना इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी अगर आपको यूज़ करना है तो टीदरिंग यूज़ कीजिए। टीदरिंग योर स्मार्टफोन टैबलेट डज हैव टू ड्रॉबैक। इसके लेकिन दो ड्रॉबैक हैं। यू आर एंटायरली डिपेंड ऑन द सिग्नल ऑफ योर मोबाइल फोन दैट फाइन इफ यू आर इन सिटी बट लेस रिलायबल इफ यू आर इन द अदर कंट्री। तो इसका क्या होता है, अगर आपका सिग्नल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लैपटॉप टिपिकली यूज मच मोर डेटा देन स्मार्टफोन, मीनिंग यू कुड बी इन फॉर अ नास्टी सरप्राइज व्हेन योर नेक्स्ट फोन विल बी लैंड इन योर मेल बॉक्स। और जब आपके पास कोई मेल बॉक्स में आपका बिल आएगा तो वो बहुत हैवी आएगा। इफ़ यू हैव एंड्रॉयड डिवाइस, यू कैन एनेबल टीदरिंग बाय हेडिंग टू सेटिंग नेटवर्क एंड इंटरनेट हॉटस्पॉट एंड टीदरिंग वाईफाई हॉटस्पॉट, देन स्लाइड द टॉगल नेक्स्ट टू द वाईफाई हॉटस्पॉट इनटू द ऑन पोजीशन। अब इस तरह से टीदरिंग ऑन करके आप अपने इंटरनेट को की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं किसी और डिवाइस में। iOS यूज़र नीड टू सेट बाई पर्सनल हॉटस्पॉट। हम बोथ एंड्रॉयड एंड iOS यू शुड सेट अ न्यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड, लेकिन इसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना चाहिए जिससे आपका डेटा सिक्योर रहे। एडवांटेज क्या है टीदरिंग का वाईफाई के ऊपर हॉटस्पॉट मेथड से? लाइक द डिवाइस विल बी चार्ज बाय द कंप्यूटर, इट इज़ मोर सिक्योर एज नोबडी कैन हैक इनटू योर नेटवर्क एंड यू कैन मे इवन गेट फास्टर स्पीड। द फास्टेस्ट द ईजिएस्ट वे टू गेट ऑनलाइन इज टू टीदर योर स्मार्टफोन डायरेक्टली टू योर कंप्यूटर यूजिंग USB केबल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वाईफाई हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट ना यूज़ करके अगर आप USB केबल यूज़ करते हैं तो आपका सबसे इजी और फास्टेस्ट वे है टीदरिंग से आप इंटरनेट को लैपटॉप या मोबाइल से लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। फाइंड अ पब्लिक वाईफाई, अब ये आपको कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाए तभी पब्लिक वाईफाई यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू फाइंड योरसेल्फ व्हेन यू नीड टू गेट इंटरनेट विदाउट अ प्रोवाइडर, you might be able to jump on the nearby public Wi-Fi network, for example। अब पब्लिक नेटवर्क कहाँ कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हब और रेलवे स्टेशन, इन सब पे आपको मिलेगा। यू कैन फाइंड नियर बाई फ्री वाईफाई यूजिंग ऐप लाइक वाईफाई मास्टर की ऑन एंड्रॉयड एंड वाईफाई फाइंडर ऑन iOS। तो आपको इसके लिए मास्टर की और वाईफाई फाइंडर को डाउनलोड करना पड़ सकता है जो फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। इफ़ यू डिसाइड टू ज्वाइन अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, मेक श्योर यू टेक अ स्टेप टू इंश्योर योर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बोथ सेफ और हैकर विल हैक योर डिवाइस। अब बायजूस हमने एक बार आपको बताया था कि जैकजूस और बहुत से तरीके बताएं जिसके थ्रू पब्लिक जगह पर लोग आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके हमने बहुत से शॉर्ट्स बनाए हैं, अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा तरह तरह से कैसे पब्लिक प्लेसेस पे हैकिंग होती है, उसमें डिफरेंट शॉर्ट्स में दिया हुआ है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इज इनहेरेंटली लेस सिक्योर देन यूजिंग योर मोबाइल एज अ हॉटस्पॉट। टू सिक्योरली यूज एनी पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट is to use a virtual private network to encrypt your data while surfing on your PC, smartphone और tablet। उसके लिए आपको VPN यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो डेटा सिक्योर एनक्रिप्टेड रहे और लोग आपके डेटा को हैक ना कर सके। डोंट विजिट साइट्स नॉट यूजिंग HTTPS, ऐसी कोई भी साइट पे मत जाइए जिसमें HTTPS ना हो। SS is for secure, Hypertext Transfer Protocol with Security। लॉग आउट अकाउंट आफ्टर यू फिनिश, अब जैसे भी आप अपने अकाउंट में जाते हैं उसके बाद आपको उसको लॉग आउट करना मत भूलिए, अदरवाइज ओपन रह जाएगा तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। यूज़ अ VPN टू मेक योर पब्लिक वाईफाई कनेक्शन सिक्योर, और जैसा कि पहले हमने बताया कि VPN अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। अब नेक्स्ट मेथड है वाईफाई USB डोंगल। अब डोंगल क्या होता है? एक छोटी डिवाइस होती है, इंटरनेट स्टिक होती है, जिसके थ्रू आप मोबाइल के सिम को उसमें डाल करके आप डेटा को इंटरनेट के थ्रू हॉटस्पॉट देकर वाईफाई के थ्रू टेम्परेली यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कमिटिंग टू द एक्सपेंसिव लॉन्ग टर्म मोबाइल इंटरनेट प्लान, यू कैन इंसर्ट अ स्टैंडर्ड 3G और 4G सिम कार्ड एंड यूज इट्स डेटा कनेक्शन, और उसके डेटा को कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। Because internet stick for laptop are lighter and smaller than mobile hotspot, they are better suited for people who need to web connection while traveling. On downside, don't expect signal strength, Wi-Fi speed or range to be as good as using a hotspot device। इसी तरह से ये वर्क करता है जैसे हॉटस्पॉट करता है, लेकिन अगर सिग्नल नहीं है तो वर्क अच्छा नहीं करेगा और आप ट्रैवलिंग के समय इसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लैपटॉप। शेयर समवन इंटरनेट, किसी को आप इंटरनेट शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम विंडो कंप्यूटर, गो टू द सेटिंग नेटवर्क एंड इंटरनेट मोबाइल हॉटस्पॉट, चूज द कनेक्शन यू वांट टू शेयर एंड स्लाइड द टॉगल इनटू ऑन पोजीशन, और आप किसी को भी हॉटस्पॉट के थ्रू अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। इफ यू नीड अ शेयर एंड इंटरनेट कनेक्शन फॉर मैक ओएस डिवाइस, गो टू एप्पल सिस्टम प्रेफरेंस शेयरिंग इंटरनेट शेयरिंग, जैसे करने से आप अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। चूज द कनेक्शन यू वांट टू शेयर एंड शेयर योर कनेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू एंड देन सेलेक्ट हाउ यू वांट टू शेयर द इंटरनेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। जो उसमें खोलिएगा तो उसमें ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं। बाय अ पोर्टेबल सेलुलर राउटर, अब आपने राउटर भी यूज़ किया होगा, बहुत दिनों तक जियो का राउटर हमने यूज़ किया। पोर्टेबल सेलुलर राउटर्स आर सिमिलर टू द राउटर वी यूज एट आवर होम। Only difference is that instead of being connected to the internet via cable, they have a slot for inserting a data-only SIM card which allow you to connect 3G, 4G network. These SIM cards are not meant to go to the mobile phone. जैसे मोबाइल से आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, उसी तरह से आप राउटर में अगर सिम डाल देते हैं तो उससे भी कनेक्शन आप कर सकते हैं. दैट मीन्स मोबाइल इज वर्किंग लाइक अ राउटर, और राउटर भी आप यूज कर सकते हैं. वंस कनेक्टेड द पोर्टेबल राउटर वुड क्रिएट अ वाईफाई नेटवर्क whenever you go without internet service provider. With a sufficient data plan, you can use this Wi-Fi network for all your internet needs, whether outside or inside your home. Portable routers are comparatively less expensive and last a whole day or on a single charge. पूरे दिन वो सिंगल चार्ज पे आपके राउटर आप यूज कर सकते हैं. शेयर नेबरहुड इंटरनेट. अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका नेबर बहुत अच्छा है और आप भी उसके साथ कंपैटिबल हैं और हम उसके फेवर में हैं, तो आप आधे दिन इंटरनेट का चार्ज दे दीजिए, आधे दिन वो दे दे, और दोनों आपस में एक दूसरे को अगर शेयर करते हैं तो साल में 6 महीने का ही चार्ज आपके ऊपर आएगा. शेयरिंग फ्रॉम विंडो computer, go to setting, network and internet mobile hotspot, choose the connection you want to share and then turn on share my internet connection with other device. और आप अपने इंटरनेट डिवाइस को शेयर करके, इंटरनेट डिवाइस से इंटरनेट शेयर करके आप दूसरों को भी इंटरनेट फैसिलिटी शेयर कर सकते हैं. शेयरिंग फ्रॉम मैक. गो टू एप्पल, सिस्टम प्रेफरेंस, क्लिक शेयरिंग एंड सेलेक्ट इंटरनेट शेयरिंग. Click share your connection from the choose the internet connection you want to share from the drop down menu and select. जैसे कि ऊपर हम लोग ने किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे. Freedom Pop. Freedom Pop is a company that offer free internet service to mobile and computer user. To avail this free internet service, you are to sign up on the company website and they will send you a free internet hotspot device, which include everything you need to get started like a charger and network. तो ये एक कंपनी है जो आपको फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है और ये सारा कुछ आपको देती है, बस आपको इसको ऑन करना होता है. यू आर रिक्वायर्ड टू पे स्मॉल डिपॉजिट फॉर दिस, एंश्योर दैट डिवाइस गेट रिटर्न वंस यू डन विद देयर सर्विस. और अगर आप काम कर चुके हैं, कुछ समय के लिए ये सर्विस होती है, तो आप उनके डिवाइस को वापस कर दीजिए और अपना काम करके उनको पैसा कुछ देना पड़ेगा, डिपॉजिट कर दीजिए. सर फर्स्ट टाइम ये 10 GB डेटा देता है फ्री में और इसके बाद 500 MB फ्री डेटा फॉर सब्सिक्वेंट मंथ में देता है हर मंथ, विच मे नॉट बी मच बट इनफ फॉर सर्फिंग, ऑनलाइन चेकिंग योर ईमेल. हाउएवर इफ यू नीड मोर डेटा यू कैन ऑल्सो परचेज अनदर टू. जो इनका सबसे पहला प्लान है इसमें 10 GB मिलता है, उसके बाद 500 MB मिलता है, और अगर आपके लिए सफिशिएंट नहीं तो आप दूसरा प्लान भी इनका ले सकते हैं. सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस. अब ये सबसे ज़्यादा आजकल स्टारलिंक हमने आपको बताया था. मॉडर्न कंप्यूटर्स ग्रेड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इज टिपिकली प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल यूजर थ्रू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट कैन ऑफर रिलेटिवली हाई डेटा स्पीड. आजकल यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें स्टारलिंक ने उसको फैसिलिटी दी है जिससे वो इंटरनेट यूज़ कर पा रहा है, अदरवाइज तो उनके सारी इंटरनेट डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है. तो तो उसको स्टारलिंक की फैसिलिटी देने पर रशिया बहुत गुस्सा भी था, लेकिन फिर भी उसको वो फैसिलिटी मिली जिससे वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ कर पा रहा है. अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बिफोर चूजिंग एन ऑप्शन. लेकिन ये सारे ऑप्शंस को आप में इसमें से कौन सा आपको चूज़ करना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करिएगा. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन वो शुड कंसिडर अ फुल्ली फ्लैज मोबाइल हॉटस्पॉट. ओकेजनल कैजुअल यूजर माइट वांट टू यूज टेबरिंग or buy internet stick in rural area. You can get online through wireless इंटरनेट। तो बहुत सी फैसिलिटी हमने बताई, जो आपको सूट करे आप उसको यूज़ करिए। And this is all today, viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agrawal, IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel और प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे कम्युनिटी पे जाकर मेरे पोल्स पे आंसर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और क्वेश्चन को पूछिए। थैंक यू व्यूअर्स।